This ain't even my son, man. I <laughs> <laughs> ये बुरा हो रहा है भाई। बहुत बुरा हो हो रहा रहा है है भाई बहुत फीफा की बकचोदी चल रही है प्रॉपर बकचोदी कर रही है फीफा ने मतलब मैनेजर्स प्लेयर्स प्लेय भोंक रहे थे वो भौक, भौक मतलब बोल रहे थे कि देख भाई फीफा मिड सीजन रखा है तूने वर्ल्ड कप मतलब यहाँ पर प्लेयर्स इंजर्ड होने पक्के हैं क्योंकि तूने एक महीने पहले जो मैचेस रखे वो पंद्रह बीस मैचेस हैं वो कुछ पाँच छः मैचेस नहीं है एक महीने के अंदर अंदर पंद्रह मैचेस ख़त्म उसमें प्लेयर के फटीक होने का चांस है वो तो होगा ही ऑब्वियसली बीस मैच एक महीने में या पंद्रह मैच एक महीने में खेलने के बाद उसके बाद इंजरीज के चांसेस उसके साथ बढ़ जाएंगे जिससे कि वो वर्ल्ड कप मिस करे प्लेयर्स के साथ हो रहा है फीफा ने बोला तुम मान दो फीफा फी मैं ध्यान नहीं दे रहा तुम अपना काम करो मेरे को इस इस सब में नहीं पढ़ना मैं अपना फीफा वर्ल्ड कप देखूंगा तुम्हारा जो लीग है वो अपना लीग प्रेसिडेंट देखेगा देख लिया भाई हो गया भाई कट कांड हो गया भाई और ये ये अर्जेंटीना के साथ जो स्मूथ सीलिंग बूट चल रही थी अर्जेंटीना की शायद से उसमें अब थोड़े गड़बड़ होना चालू हो जाए क्योंकि तो एक ऐसा पार्ट अर्जेंटीना का जो दो साल से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका था जो टू के बाद लोसेल्सो अपने आप को रिजवनेट कर रहा था अर्जेंटीना स्क्वाड में वो बदल चुका है अब उसके बारे में बात करेंगे बारसोला के बारे में बात करते हैं कर, कल क्या बारसोला मुझे बहुत स्मगिश दिखी मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि हाँ भाई प्लेयर्स बच रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा बहुत तो दिखा मुझे बात करेंगे उस बारे में चलो सबसे पहले बात करते हैं जीवानी लोसेल्सो के बारे में तो लो सोल्सो इज इंजर्ड और वो मिस करेगा सर्जरी के चलते हिज वर्ल्ड कप भाई बिलारियाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि ही विल मिस दी वर्ल्ड कप ड्यू टू अ सर्जरी कितना बड़ा लॉस है भाई अग, अगर तुम्हें मैं लो सेल्सो का रोल बताने जाऊँ ना अर्जेंटीना में क्या है इट्स द सेम किमिच इन म्यूनिक वही उसके साथ जब गोरेट्स का होता है ना जब वो रोल निभाता है लिंकअप्स करने का या बॉल प्रोग्रेस करने का दिस इज द सेम दैट लो सेल्सो डज इन अर्जेंटीना और क्वाइट एडवांस

फिर जब आया आयानी चेंज लो सेल्सो करियर मेरे हिसाब से लो सेल्सो नेशनल टीम क्योंकि जब लियोनेल आया उसे पता था कि उसे लो के साथ साथ क्या करना है डबल के के बिठा दिया के रूप में और उसे पता था कि लो सेल्सो मुझे यहाँ पर बहुत बेनिफिट करेगा क्यों क्योंकि उसके पास एक पहले से डिफेंसिव आउटलेट है जिसका नाम है रोड्रिगो डिपॉल जो उसे ज्यादा वरी नहीं करेगा कि मुझे वापस पीछे ट्रैक बैक करना है ऑब्वियसली अर्जेंटीना की टीम में ग्यारह में से दस लोग बहुत भागते हैं मतलब

ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं अगर उसमें से एक चले जाए तो लूसल्सो का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है पहले ही तुम्हारे थॉट्स क्या है दोस्तों अर्जेंटीना फैंस तुम्हारे थॉट्स क्या है इस पर यह बताओ और ये जरूर बताना कि अगर यहाँ पर लू सेल्सो होता तो क्या अर्जेंटीना मतलब शायद से और अच्छा कर पाती क्योंकि लूसेल्सो का मिस एक बहुत बड़ा मिस है वो बात नहीं है कि पॉर्चुगेज लीग में और एक बंदा है मैं नाम बोल रहा हूँ वो बहुत तगड़ा कर रहा है तो वो भी आ सकता है पापू गोमेस भी है तो उतनी कुछ नेसेसिटीज तो नहीं है कि इतना वरी करें अर्जेंटीना फैंस की भाई अब कैसे होगा अब कैसे होगा नहीं क्वालिटीज़ तो है मिडफील्ड में बट लो सेल्स हो एक अलग डायमेंशन देता है अर्जेंटीना इन वर्ल्ड कप बट नेक्स्ट बात करते हैं बार्सलोना की बार्सलोना कल कम बैक पे जीती है कम बैक वा और मैंने जो बोला था ना कल देख के ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स बच रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक वो कल मुझे कहीं ना कहीं दिखा मुझे लेवन टॉसि का वो जो फाउल था वो क्या फाउल था मतलब करने की जरूरत ही नहीं थी पहला येलो कार्ड तो बहुत हार्श बहुत वो क्या क्या रेफरी है भाई क्या एजेंडा है उसका बार सुना के मतलब मेसिको उसने रेड कार्ड दे दिया अब लेवन डॉस की ओर दे रेफरी है क्या कौन है भाई अजाम है क्या है ये एंड जो इस मैच में रेड कार्ड मिला लेवन डॉस की मतलब क्या वो जान बुझ करता था क्यों उस पर खुद ही मार रहा है इट वॉज एविडेंट की लेवन डॉस की ने जान ही मारी है शायद से वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं वो जो मैं बोल रहा था ना प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए बचते हैं और शायद से लेवन डॉस की वही करने गया था एंड कुछ उल्टा हो गया कुछ उल्टा करने गया था रेड कार्ड मिल गया एंड ही वॉज आउट भाई उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली है इसके लिए क्यों खाली फोर्ट का करना है क्यों खाली फोर्ट डेम्बेले डेम्बेले का मतलब हो चुका भाई या तो अबू से बेंच कराओ या रफीना को खिलाओ क्योंकि डैम्बेले को अगर तुम स्टार्ट देते रहोगे पता है भाई इज एन अनप्रडिक्टेबल प्लेयर उसके पास दोनों फुट्स हैं एम्बिट क्या ये वो ये वो बट जब तुम्हारा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा हो यू नीड टू टेक हार्ड स्टेप्स उसे बेंच कराओ रफीना को चांस दो जिससे कि वापस इसको सब कराओ ना फिर जैसे कि रफीना को करते हैं डेम्बेले को कराओ क्योंकि तो जब वो परफॉर्मेंसेस नहीं देगा तो उसे यही कराना होगा मेरे दोस्त जावी को ये पता चल गया था और शायद से इस मैच में बुस्केट्स वॉज डिजास्ट्रस डिज़ास्ट्रस क्या नीचे वाला कुछ तल पैतल कुछ होगा ना वो होगा वो मतलब तीन चार बॉल तो फर्स्ट हाफ में लूज कर दिए उसके बाद का तो सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत उसने भाई एक दो बॉल डाल दिया तो वो वाला सीन था और बुस्किट्स का मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था ना कि बुस्कट्स एक मैच लगी में ऐसे लगे कि प्राइम में दूसरे मैच में एकदम ये एक दो मैच लगातार वो एकदम घटिया एक 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 खेला है दोस्त दो मैच में नहीं हुआ या तो उसको रोटेशनल रोल पर डालो मुझे पता है कि जावी हटाने नहीं वाला उसको बट ऐसा होता है तो रोटेशनल रोल पर डालो कुछ तो करो लास्ट सीजन इसके बाद बुस्किट्स नहीं है भाई बुस्किट्स इतना इतना स्लो है ना वो जो कछुआ ऐसा काट नहीं जाता है फिर रुक जाता ना बिल्ली को वो वाला सीन है बुस्किट्स का क्यों इतना स्लो है कि जब तक आगे निकल गया बंदा हो गया भाई

तीन लेफ्ट बैक के साथ खेलिए बार्सलोना मार्कस अलॉन्सो एलोंद्रो बाल्डे और जॉर्डी आल्बा और फ्रैंकी डियोंग था क्रिस्टेंसन था उसको हटा लिया भाई इंजरी कंसन वापस जा भाई तुम ज्यादा मच मच मत कर फ्रैंकी डियोंग आया डिफेंस में हो गया भाई तीन लेफ्ट बैक के साथ हमने मैच जीता है और वो जो हेडर मारा है ना रफीनिया ने रफीनिया भाई साहब तुम्हें मैं एक बात मतलब तुम्हें पता है बारसोला बीट कहाँ पर हुई बारसोला बीट कहाँ पर हुई इन दी मिडफील्ड जहाँ पर बुस्केट्स को पकड़ के ना ये लोग झूठ मरा रहे थे मिडफील्ड में चार की तीन ओवर पावर कर दे रहे हैं दो को वो वाला से क्योंकि पैदलियों तो, तो आगे था बुस्केट्स और फ्रेंकी डिया होंगे तो इस बार अगर तीन चढ़ेंगे तो एक मैन ज्यादा हो गया एक मैन ज्यादा हो गया इसका मतलब न्यूमेरिकल एडवांटेज और जब न्यूमेरिकल एडवांटेज होती है तो कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते और जो टर्स टेगन वाला जो वो हेडर पड़ा था भाई सेट पीस में क्या है भाई ना तो हम सेट पीस से गोल मार रहे हैं ना तो जब राव होता है तब कुछ लगता है बस नहीं तो सेट पीस में तो हमारा कुछ है नहीं और कॉर्नर्स डिफेंड करने में हमें हो क्या रहा है कॉर्नर्स में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई लंबा बंदा ही नहीं है जो मार सके मतलब एटलीस्ट तो क्लियर तो करो भाई जंप तो मारो क्लियर करो इतने गोलने की क्या जरूरत थी और जो लास्ट में और जो भाई फरान टॉरेस का वो गेम थोड़ा डिसेंट था मुझे लगा कि अच्छे स्पेसिस ढूंढ रहा था एंड ऑब्वियसली डेम्बेले का हटाओ भाई डेम्बेले की बात नहीं करनी रफीनिया पर जाता है रफीनिया भाई साहब वर्ल्ड कप से पहले भाई क्या परफॉर्मेंस है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस थी मतलब टेन मैन डाउन थे हम पहली बात और जो हेडर मारा ना इट्स नॉट एन ईजी हेडर इट्स नॉट एन ईजी हेडर वो डिप हो रही थी बॉल और कभी भी सोचना एक कॉर्नर पर हेडर मार रहा और एक डिप हो रही हुई बॉल को हेडर मार रहा इट्स नॉट द सेम क्योंकि जब कॉर्नर से आती है इट्स स्विंगिंग इन जब स्विंग इन हो रही है तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एक 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 वेलोसिटी होती है जहाँ पर से तुम ऐसे हिट करो तो बॉल ईजिली चली जाए डिपिंग बॉल में नहीं होती वेलोसिटी वो तुम्हें जनरेट करनी पड़ती है और जो डिप कर रही थी बॉल ना डिप बॉल ऐसे आ रही थी और बॉल जब ऐसे ऊपर जाके नीचे आती है इट्स मोर डिफिकल्ट टू हिट वैसे ही जैसे तुम बॉल एकदम ऊपर जाती है कैच करना डिफ़िकल्ट होता है वैसे ही ये भी डिफिकल्ट था क्योंकि जब तुम वो देख रहे हो पीछे भाग रहा था वो ऐसे पीछे देखा ऐसे भाग रहा है वो रफीनिया उसके पास कुछ क्लियर चांस नहीं है कि यहाँ पर गोल है यहाँ पर गोल है वो एक उसे एक नज़र बनानी है वहाँ पर एक प्लेस करना है बस खत्म और उसने वही किया वहाँ पर बोला लीप कर दिया उसने बस। उसने बस ज़्यादा ज़्यादा देने की कोशिश नहीं किया जोर से मारने की कोशिश नहीं की उसने सिर्फ एक टच दिया है ये होती है डेफिनेशन एक टेक्निकल प्लेयर की टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर की कोई और होता पता नहीं है गोल जाता है क्या नहीं बट रफीनिया ऑन द बॉल ब्राजीलियंस तो होते ही है भाई तुम्हें पता है चुद्धि करने वाले तो मार देते हैं गोल बाय तो बारसोलोना के तीन पॉइंट्स के साथ बार्सोना ऑन द टॉप ऑफ द टेबल चली गई पांच पॉइंट्स आ गए अगर यहां पर मटलिड अपना अगला मैच जीतती है तो दो पॉइंट वापस हुई हो जाएंगे बट बड़ी विनती है क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल चली गई अब इसके बाद बारसोला के मैचेज नहीं अब डायरेक्ट वर्ल्ड कप होने वाले वर्ल्ड कप के बाद जो होगा इसमें विंटर ट्रांसफर विंडो भी अफेक्ट करने वाली है बहुत ज्यादा तरीके से क्योंकि यह नहीं भूले कि विंटर ट्रांसफर विंडो में बारसोला शायद से थोड़े से रेनफोर्समेंट्स लाए लेफ्ट बैक के लिए सेंटर बैक के लिए राइट बैक के लिए जो भी हो तो यहां पर से री एनफोर्समेंट बढ़ेंगे

अर्जेंटीना फैंस को तो पता ही होगा ज़रूर बताना कमेंट्स में सब्सक्राइब कर लेना अगर किया नहीं हो तो फ़टाफट कर लेना टू uh, थाउजेंड तक पहुँचना है जल्दी जल्दी कमाओं दोस्तों कमा वाह